Hi guys, welcome to Fresh and Fancy Cakes, a snackery by Ritu. Today I am going to share with you guys the most deliciously delicious chocolate frosting, means the chocolate ganache. आज के सेशन में चॉकलेट गनाश बनाने की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इट्स जस्ट वन सिंगल रेसिपी एंड मैनी यूजेस. लाइक आप इस रेसिपी को यूज़ करके जो चॉकलेट गनाश बनाएंगे उसके मैनी यूजेस होते हैं. नंबर वन यूज़ विच आई कैन मेंशन ओवर हियर इज़ लाइक अगर ये गनाश थोड़ा सा आप वॉर्म यूज़ करेंगे देन यू कैन यूज़ इट एज अ चीज़ केक टॉप लेयर और मे बी एज अ पाई फिलिंग और समटाइम्स यू कैन इवन पोर इन टू द कप केक्स जस्ट टू गिव द चोको लावा केक काइंड ऑफ. द अनदर यूज ऑफ इज चॉकलेट गनाश इज लाइक इफ यू विल विप इट फॉर सम टाइम देन यू कैन यूज एज अ पाइपिंग फ्रॉस्टिंग. यू कैन फिल इन योर पाइपिंग बैग एंड पाइप इट ओवर द कप केक्स केक्स. And another use of this chocolate ganache is really very important and very demanding. So many people asked me about this. We can use this chocolate ganache even as a cake icing under the fondant. Under the fondant means like जब आप अपने केक को फॉन्डेंट के साथ कवर करते हैं तो you need very stiff and very stable sides of your cake ताकि फॉन्डेंट से कवर करने के बाद उसकी edges और जो उसके corners हैं बहुत sharpen होकर आए. तो उस केस में दिस इज द परफेक्ट आइसिंग फॉर योर केक. एंड नॉट ओनली द आइसिंग अंडर द फॉन्डेंट, यू कैन कम्प्लीटली फ्रॉस्ट योर केक यूजिंग दिस चॉकलेट गनाश. ऑब्वियसली द फ्लेवर विच गोज वेल विद द चॉकलेट. सो गाइज, मैंने यहाँ बहुत सारे आपको यूजेस एक्सप्लेन करे हैं और दिस इज द टाइम टू शो दैम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हमें चाहिए दो सिंपल इंग्रेडिएंट. यहाँ मैंने लिया है चॉकलेट एक कप, ये है सेमी स्वीट यानी कि डार्क चॉकलेट. साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे हैवी क्रीम यानी कि 35% फैट क्रीम. और क्रीम का जो मेजरमेंट है वो है 1/3 कप. वेट में यानी कि ग्राम्स में जो रेसिपी का मेजरमेंट है वो है 175 ग्राम्स यहाँ चॉकलेट है और 80 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली हैवी क्रीम है. यहाँ मैंने सेमी स्वीट यानी कि डार्क चॉकलेट ली है. अगर आप इसको मिल्क चॉकलेट या फिर किसी दूसरी चॉकलेट के साथ रिप्लेस करते हैं तो उस केस में क्रीम का जो प्रोपोर्शन होता है वो चेंज हो जाता है. सो वेट में यानी कि ग्राम्स में इस रेसिपी का प्रोपोर्शन है कि आपकी जितनी चॉकलेट ग्राम्स में है उसका हाफ ऑफ द ग्राम आपको क्रीम लेना है. चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक माइक्रोवेव सेफ बाउल और आप चाहें तो इसको डबल बॉयलर मेथड के साथ भी बना सकते हैं. सबसे पहले चॉकलेट को लेकर आप इस बाउल में डाल लीजिए और अब टॉप ऑफ द चॉकलेट अपनी क्रीम को पोर कीजिए. इनिशियली अब मैं इसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करूंगी. माइक्रोवेव में हीट करने के बाद चॉकलेट और क्रीम कुछ इस तरह से दिखाई देता है. और अब एक वुडन स्पैचुला की हेल्प से हम चॉकलेट और जो क्रीम है उसको आपस में मिक्स करेंगे और हमें इसको बहुत तेजी के साथ में मिक्स नहीं करना है. और साथ ही साथ हम फर्दर हीटिंग से पहले एक बार मेक श्योर करेंगे कि एक स्टेज अब आ गई है कि चॉकलेट जो है वो मिक्सिंग के थ्रू मेल्ट नहीं हो पा रही है. बट इस टाइम दिस चॉकलेट इज़ क्वाइट मेल्टेड और स्लोली इसको मिक्स करने के बाद में ये जो मिक्सचर है ये एक शाइनी ग्लेज के फॉर्म में आ जाएगा. एज़ पर द रिक्वायरमेंट आप इस मिक्सचर को माइक्रोवेव में स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही हीट करें क्योंकि जो चॉकलेट का टेक्स्चर होता है वो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है. While mixing, बाउल के साइड्स को स्क्रेप करते रहें टू अवॉइड द चॉकलेट क्रस्ट. एट दिस मोमेंट जो चॉकलेट के चंक्स हैं वो मिक्स करने से अब मेल्ट नहीं हो रहे हैं तो अब मैं इसको फर्दर 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में हीट करूँगी. हीटिंग के बाद अगेन इसको अच्छे से मिक्स करना है. मेरा ये चॉकलेट गनाश रेडी है और माइक्रोवेव में मुझे टोटल टाइम लगा 50 सेकेंड्स. आपके केस में ये टाइम चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर माइक्रोवेव पावर. एज अ यूज़ नंबर वन, ये जो मेरा चॉकलेट गनाश है ये है पोरिंग कंसिस्टेंसी के साथ में एंड दिस इज़ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी फॉर पाइज एंड टार्ट्स एंड इवन यू कैन पाइप इट इन बिटवीन द डोनट्स एंड कपकेक्स. टू शो यू अदर यूजेज ऑफ दिस चॉकलेट गनाश, मैं इसको टू डिफरेंट बाउल्स में डिवाइड कर रही हूँ. और इस चॉकलेट के सरफेस पे हमें बिल्कुल भी ड्राइनेस या फिर कोई क्रस्ट नहीं आने देना है. उसके लिए हम अपने चॉकलेट गनाश के बाउल को क्लिंग रैप या फिर प्लास्टिक रैप से कवर करेंगे और क्लिंग रैप को बाउल के प्रोपोर्शन में थोड़ा सा बड़ा लेके इस तरह से चॉकलेट गनाश के सरफेस से टच करते हुए ताकि एक भी एयर बबल उसके अंदर ना रहे, बिल्कुल कम्प्लीटली सरफेस से टच करते हुए उसको कवर करें.
एक बाउल को मैं रूम टेम्परेचर पे रहने दूंगी अराउंड 2 आवर्स के लिए और दूसरे बाउल को मैं रेफ्रिजरेट करूंगी अराउंड 4 आवर्स के लिए। आपका ये टाइम वेरी कर सकता है अगर आपका चॉकलेट गेनाश का अमाउंट ज़्यादा है तो। फॉर द सेकेंड यूज़ ऑफ दिस चॉकलेट गेनाश, ये मैंने अपनी गेनाश का बाउल लिया है जिसे 2 घंटा अराउंड रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ा था। जब आप इसको हाथ से टच कर फील करेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी गर्म नहीं लगेगी। अब हम सबसे पहले इसको बीट करेंगे ऑन द लो स्पीड फॉर अराउंड 2 to 3 मिनट्स। आप चाहें तो इसको हाथ से भी बीट कर सकते हैं। अराउंड 2 to 3 मिनट्स बीट करने के बाद जो चॉकलेट गेनाश है वो टेक्सचर में काफ़ी लाइट एंड फ्लफी हो गई है और इसका कलर भी पहले से लाइटर हो गया है। इट मीन्स चॉकलेट गेनाश इज़ रेडी एज अ फ्रॉस्टिंग और इसको अब हम पाइप करके अपनी कपकेक्स और केक्स को बहुत ईजीली फ्रॉस्ट कर सकते हैं। पाइपिंग बैग बना के, फॉर एग्जाम्पल ये आपका कपकेक है, आप इसके ऊपर स्विल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ चॉकलेट गेनाश। इस गेनाश बॉल को मैंने अराउंड 4 आवर्स रेफ्रिजरेट किया है। अगर आप इससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट की चॉकलेट का गेनाश बनाते हैं तो उसको आपको ज़्यादा देर रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा। इसीलिए जो टेक्सचर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आप उसके साथ मैचअप कर सकते हैं फॉर द प्रॉपर राइट टेक्सचर ऑफ द गेनाश। लेट्स अनरैप इट एंड इट इज़ क्वाइट सॉलिड राइट नाउ। अगर आप इसको स्पून के साथ में स्क्रेप करेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है इस वक्त। एंड इफ़ यू विल डू अपसाइड डाउन योर बोल देन नथिंग विल फॉल ऑफ। और यूज़ करने से पहले हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसका टेम्परेचर है थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा और काफ़ी ईजी हो जाएगा टू वर्क विथ। गेनाश के साथ जो आइसिंग हमारी ये प्रिपेयर हुई है ये बहुत ही हेल्पफुल है जब हम फोंडेंट के साथ में काम करते हैं, क्योंकि अगर हम इसके साथ आइसिंग करते हैं तो जो हमारे केक की साइड्स और एजेस होती हैं वो बहुत शार्प होके निकल के आती हैं क्योंकि ये उनको स्टेबल रखता है। साथ ही जो केक फ्लेवर्स चॉकलेट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनको आप कम्प्लीटली इस गेनाश आइसिंग के साथ फ्रॉस्ट कर सकते हैं। इन माई अपकमिंग सेशंस आई विल शो यू हाउ टू यूज़ दिस गेनाश फॉर केक आइसिंग। आई होप गाइज आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशंस हैं तो प्लीज़ लीव योर कॉमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।